हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड में बहुत कम समय में ज्यादा नाम कमाने वाले एक्टर रणवीर सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। रणवीर सिंह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पावरफुल एक्टर होने के साथ साथ फिल्म में हर तरह के रोल करने में माहिर है, जैसे कि कॉमेडी रोल, एक्शन रोल, थ्रिलर रोल और रोमांटिक रोल। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। रणवीर सिंह एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कराची से मुंबई आई थी। अनिल कपूर के बच्चे सोनम कपूर, रेहा कपूर और हर्षवर्धन कपूर, ये सब रणवीर के रिश्ते में मेरे भाई बहन लगते हैं। रणवीर हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए वो स्कूल के दोनों डिबेट्स, नाटक और स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते थे। फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद रणवीर सिंह ने खुद का सरनेम, जो कि भगवानी है, उस स्क्रीन नेम से हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि भगवानी एक सुपरस्टार के नाम जैसा नहीं लगता। एक्टर बनने से पहले रणवीर सिंह ने बहुत सी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में बतौर कॉपीराइटर का जॉब भी किया है। रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले आहाना देओल को डेट कर चुके हैं, जो कि हेमा मालिनी और रविंद्र की बेटी है। रणवीर की डेब्यू फिल्म पैनबाजा बारात के रिलीज होने के बाद ऐसी अफवाहें सुनने को आई थी कि रणवीर के पापा ने उस फिल्म के मेकर्स को रणवीर को उस फिल्म में लेने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे, और बाद में रणवीर ने खुद कहा कि ये सब झूठ और अफवाहें हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आज रणवीर एक एक्टर न होते तो वो आज एक बहुत अच्छे राइटर नाटक डीजे होते। रणवीर सिंह बॉलीवुड में पहले ऐसे एक्टर है जिसकी करियर के शुरू होते ही चौथी फिल्म ने 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की। फिल्म बॉम्बे वेलवेट में रोल सबसे पहले रणवीर सिंह को ही ऑफर किया गया था, पर उनके बिजी शेड्यूल के चलते वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए और फिर बाद में वो रोल रणबीर कपूर को दिया गया। फिल्म बाजीराव मस्तानी में घर के छत के ऊपर एक खतरनाक स्टंट करते समय रणवीर के राइट शोल्डर में बहुत ज्यादा चोट आई थी, जिस वजह से उन्हें जल्दी से जयपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर उनकी सर्जरी हुई। रणवीर को सबसे पहली इंजरी फिल्म यूटेरा के शूटिंग के दौरान हुई थी। फिल्म बाजीराव मस्तानी में उनके रोल की तैयारी करने के लिए रणवीर ने अपना घर छोड़ा था और उन्होंने पूरी दुनिया से अपना संबंध तोड़ दिया था, क्योंकि उस समय को वो थी फोन और इंटरनेट जैसा किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। रणवीर सिंह एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे रैपर भी है। रणवीर के पास 200 से भी ज्यादा जूते और 100 से भी ज्यादा टोपियों का कलेक्शन है। रणवीर सिंह को फुटबॉल देखना बहुत पसंद है और वो आसिया फुटबॉल क्लब के सपोर्टर भी है। रणवीर सिंह यश राज फिल्म्स द्वारा लॉन्च किए गए पहले ऐसे एक्टर है जिसकी डेब्यू फिल्म में सोलो हीरो काम किया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।